कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार शाम दिल्ली के सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास प्रवासी मजदूरों से मुलाकात की। कांग्रेस सांसद ने मजदूरों का हाल जाना और उनके घर जाने की भी व्यवस्था की। वहीं राहुल गांधी का ये पूरा दौरा विवाद में आ गया। दरअसल कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने दावा किया था कि मजदूरों को हिरासत में लिया जा रहा है। कांग्रेस नेता के इस दावे को दिल्ली पुलिस ने खारिज कर दिया। दिल्ली पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि राहुल गांधी ने सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास 14 से 15 मजदूर जो सड़क पर थे उनसे बातचीत की, उसके बाद वो वहां से चले गए। बाद में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता आए और मजदूर को गाड़ी में बिठा कर ले गए। कांग्रेस कार्यकर्ता एक गाड़ी में काफी लोगों को लेकर जाना चाहते थे, तब पुलिस ने उन्हें रोका। नियम के मुताबिक अभी एक गाड़ी में 3 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकते। ज्यादा लोगों के बैठने पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा। उसके बाद कार्यकर्ता और गाड़ी लेकर आए जिसमें सभी मजदूरों को ले जाया गया। दिल्ली पुलिस ने किसी को भी हिरासत में नहीं लिया। क्या है पूरा मामला? दरअसल राहुल गांधी शनिवार शाम सुखदेव विहार फ्लाईओवर के पास मजदूरों से मुलाकात करने पहुंचे। राहुल गांधी ने फुटपाथ पर बैठकर उनसे बातचीत की और उनकी समस्याएं जानी। एक प्रवासी मजदूर देवेंद्र ने बताया कि राहुल गांधी कुछ दिन पहले हमसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने घर जाने के लिए हमारे लिए गाड़ी बुक की और कहा कि वो हमें घर तक छोड़ेंगे। उन्होंने हमें खाना पानी और मास्क भी दिए। दिल्ली कांग्रेस के नेता अनिल चौधरी ने कहा कि हमें मालूम पड़ा कि मजदूरों को हिरासत में लिया जा रहा है। उनके इसी बयान पर विवाद खड़ा हो गया। अनिल चौधरी ने कहा कि हमने पुलिस से बात की और वो सहमत हो गए कि वो दो लोगों को साथ जाने की इजाजत देंगे। हमारे कार्यकर्ता मजदूरों को घर ले जा रहे हैं। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही अपने व्यूज हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ऐसी ही लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।